संसद का सेमीफाइनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की गर्मी बढ़ चुकी है। कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल में जो बाजी मारेगा उसी को 2019 में दिल्ली की सत्ता मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दतिया के पीताम्बरा पीठ में राहुल गांधी, चुनावी मौसम में राहुल का भक्त रूप, राहुल के धार्मिक ज्ञान पर बीजेपी का तंज। पहले चित्रकूट में कामतगिरी में पूजा अर्चना, फिर जबलपुर के ग्वारी घाट में मां नर्मदा की आरती और अब दतिया के पीताम्बरा पीठ में देवी की उपासना। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने हर दौरे की शुरुआत भक्ति के साथ कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति से ही उन्हें सियासी शक्ति मिलने का भरोसा है। 15 साल के सत्ता का सुख खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस के इस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड पर बीजेपी सवाली हो उठी है। पार्टी के नेता कांग्रेस अध्यक्ष के हिंदू होने पर सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी की आस्था और विश्वास तंज के तीर छोड़ रहे हैं। पर प्रदेश के जो मतदाता हैं वो बेहद जागरूक हैं, वो सेवा करने वालों में और दिखावा करने वालों में फर्क जानते हैं। षड्यंत्र करके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को आपस में विवादित बना करके इस प्रकार की ही राजनीति कांग्रेस ने 60 साल में इस देश में की है और उनका ये स्वभाव ही रहा है। राहुल गांधी को बखूबी मालूम है कि जनता के बीच कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर बन चुकी है, लिहाजा चुनाव में पंजे का प्रताप अब तक नहीं बढ़ सकता जब तक इस छवि से पार्टी को निजात दिलाई जाए। यही वजह है कि गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने अपने हर दौरे में मंदिर मंदिर मत्था टेका, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मठों में दस्तक दी। हालांकि पार्टी दोनों में से कहीं भी बहुमत तो नहीं ला सकी, लेकिन गुजरात में बीजेपी को कांटे की टक्कर दी तो कर्नाटक में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश में भी राहुल इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के भक्त रूप को सियासी बता रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर कई दफे तंज कस चुके हैं। राहुल गांधी कभी भक्त बन जाते हैं, शिव भक्त बन जाते हैं, राम भक्त बन जाते हैं और चुप चुप के इंटेलेक्चुअल से मिलके कहते हैं हम एक मजहब की पार्टी है, एक मुस्लिम पार्टी है। तो ये जानबूझकर इस प्रकार की रणनीति करके एक समुदाय को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे। पहले जब चुनाव आते थे तो नानी याद आती थी, अब आजकल भगवान राम को याद कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम चुनाव के लिए नहीं है, भगवान सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, मंदिर चुनाव के लिए नहीं है, मंदिर श्रद्धा के लिए है, आस्था के लिए है, और जो जाते हैं वो केवल चुनाव के वक्त नहीं जाते, हमेशा जाते हैं, और इसलिए जो जाए स्वाभाविक रूप से जाए, बाकी मैं आलोचना नहीं करता। उषा ठाकुर बीजेपी की मुखर विधायक हैं और विरोधियों पर हमले के दौरान वो कई बार विवादास्पद बयान भी दे चुकी हैं। ठाकुर का आरोप है कि देश में दशकों तक सत्ता संभाल चुकी कांग्रेस ने हमेशा से फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई है और मालवांचल में भी राहुल गांधी का मकसद अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच खाई पैदा करना है, लेकिन जनता दिखावा करने वालों को हमेशा बाहर का रास्ता दिखाती है और इस बार भी राहुल गांधी को एमपी से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। दतिया के पीताम्बरा पीठ में राहुल गांधी की पूजा अर्चना का मकसद मध्य प्रदेश में 15 सालों से लगातार सत्ता में बनी शिवराज सरकार को हराना है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है जो लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस को खारिज करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दतिया में पूजा अर्चना के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और राहुल ने कहा कि हमारी यूपीए सरकार ने किसानों का 3.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया, लेकिन आपकी सरकार ने सिर्फ 15 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 उद्योगपतियों का 3,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 दिन के अंदर 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया।
तो शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए पार्टी के चाणक्य ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश में अमित शाह की कोशिश, हर हाल में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरना है ताकि विधानसभा चुनाव की जीत के जरिए 2019 में लाल किले की दावेदारी बरकरार रहे। मध्य प्रदेश में चौथी बार कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अचानक भोपाल में आरएसएस के प्रांत कार्यालय समीधा पहुंच गए, जिसकी जानकारी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद संघ के दफ्तर में पहुंचे अमित शाह ने खजुराहो जाने से पहले एक घंटे तक संघ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर मंथन किया, साथ ही चुनाव समितियों के लोगों के साथ भी अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह पार्टी के दृष्टि पत्र के कंटेंट से खुश नहीं है, क्योंकि इसमें किसानों की कर्ज माफी की घोषणा नहीं है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर रैली में जोर शोर से उठा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने इस मुद्दे को शामिल कर नया दृष्टि पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक 22 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ आखिरी बैठक में ही पार्टी अपने दृष्टि पत्र को अंतिम रूप देगी और इस महीने के अंत तक इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर हम लोगों को बताया कि हमारा काम करने की शैली कैसी, आम दिन हम कैसे काम करते हैं और चुनाव के समय हमारी वर्किंग कैसी हो, ये उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है। लेकिन जो कुछ भी है वो 20 या 22 तारीख के आसपास मुख्यमंत्री जी के साथ एक सीटिंग होगी और उसके बाद में उसको फाइनल टच दे के फिर 25 तारीख तक माननीय उसको हम फाइनल करके दे देंगे। किसानों के मुद्दे पर पशुपेश में फंसी बीजेपी टिकट को लेकर होने वाले घमासान से भी आशंकित है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह स्थानीय नेताओं से दो टूक कह दिया है कि पार्टी के दावेदारों को सम्मानजनक तरीके से बातचीत करना होगा और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठनात्मक विषय पर बिंदु से बात हुई थी, नीचे तक पोलिंग तक के कार्यकर्ता से संपर्क और संवाद पर चर्चा हुई। इससे पहले रविवार को होशंगाबाद में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के करीब 8,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्र की पिछली यूपीए सरकार पर जोरदार हमला किया। हमारा हिसाब मानते हैं, अरे राहुल बाबा, आपने 55 साल तक इस देश पर और मध्य प्रदेश पर शासन किया, आप हमारा हिसाब मानते हो, देश का गरीब आपकी चार पीढ़ी का हिसाब आपसे मांग रहा है, चार पीढ़ी का हिसाब। आपके परनाना जवाहरलाल जी ने शासन किया, आपकी नानी इंदिरा दादी इंदिरा जी ने शासन किया, आपके पिता राजीव गांधी ने शासन किया, आपकी माता सोनिया गांधी ने शासन किया, चार चार पीढ़ी तक मध्य प्रदेश में आपने कुछ नहीं किया था, मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में राहुल के सिपह सालारों पर भी तंज कसा, इशारों इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराजा और कमलनाथ को उद्योगपति बताया तो शिवराज सिंह चौहान को गरीब का बेटा बताने से भी नहीं चूके। अरे राहुल बाबा, ये बताओ किसके भरोसे चुनाव लड़ने निकले हो, आपका नेता कौन है? मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है आपका नेता कौन है। एक राजा नहीं जीता जा सकता, भारतीय जनता पार्टी एक गरीब के बेटे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, जो पहले आपका नेता सेना। हर बार की तरह यहां भी अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टिकरण का इल्जाम लगाया। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए शाह ने बूथ और शक्ति केंद्र अध्यक्ष को पार्टी का मालिक बताया। लगे हाथ यह आह्वान भी किया कि इस बार मध्य प्रदेश में जीत की ऐसी सुनामी लाएं जिससे विरोधियों के पांव की जमीन खिसक जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का किला बचाने की मशक्कत में जुटे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज सतना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने राजमाता विजयराजे सिंधिया को जेल में डाल दिया था, लेकिन हमारी पार्टी राजमाता के साथ खड़ी रही, आज भी हमारी पार्टी राजमाता को सम्मान दे रही है। कांग्रेस ने ढेर सारे सितम राजमाता पर ढाए, जब इमरजेंसी आई आपातकाल आया, राजमाता साहब को जेल में डालने का भी काम किया, मगर उन्होंने ये मातृशक्ति की ताकत का परिचय देते हुए वो
कांग्रेस के आकाओं के सामने झुकी नहीं।